अब हम बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए करियर कैसा रहेगा 2024 में। ओके, तो आप लोगों के लिए देखो स्टार्टिंग के जो दो महीने है ना काफी अच्छे रहेंगे। हो सकता है कि आने वाला साल जो शुरुआती जो महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च उसमें काफी स्लो प्रोसेस हो या फिर एफर्ट्स बहुत ज्यादा मांगे आपके पास कि सक्सेस मिलने में टाइम लग रहा हो, सिर्फ एफर्ट्स ही कर रहे हैं या फिर सिर्फ मेहनत ही करनी है। तो मैं बोलूंगी कि स्टार्टिंग के तीन महीने आप अच्छे से मेहनत करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अप्रैल के महीने में हो सकता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले या फिर आपको ऐसे तीन चार ऑप्शन मिल जाए, ओवरसीज से भी आपके चांसेस है कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो मैं बोलूंगी कि अगर दिख रही है ना कोई अच्छी चीज की काफी अच्छी है या फिर वो अपॉर्चुनिटी जल्दी से ग्रैब कर लेनी चाहिए तो उसको थोड़ा सा पेशेंस रख के अच्छे से उसकी डिटेल्स निकाल ले कि जो काम है वो अच्छा है नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छी चीज दिख रही हो बट एक्चुअल रियलिटी में कुछ और डिफरेंट हो। तो डिसीजन लेने से पहले से बहुत सोचे और अप्रैल के बाद अगर आप डिसीजन ले लेते हो कि नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है आपकी लाइफ में तो अप्रैल के बाद में नई चीजें शुरू होने के चांसेस है। और मोस्ट ऑफ मुझे ये लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी आप लोगों के लिए वो दूसरी सिटी से होगी या फिर आप जो लोकेशन में रहते हो उससे डिस्टेंस में होगा तो आपको वहां पे रिलोकेट करने की भी चांसेस लगते हैं। बट बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर मैं बोलूं ना तो कुछ आप फुलफिल कर जाओगे, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। डेफिनेटली इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इमोशनली आप काफी ज्यादा बैलेंस हो जाओगे, ओवरथिंक नहीं करोगे। और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में मैं बोलूंगी कि जितने एफर्ट्स लगाओगे ना उतना रिजल्ट इस बार मिलेगा आपको। जैसे भी कर्मा करोगे लाइक इस साल 8 नंबर का है तो जितने भी एफर्ट्स लगाओगे अगर आप 5% काम करते हो 5% रिजल्ट मिलेगा, अगर आप 1000% मेहनत करते हो तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। सो ओवरऑल मैं बोलूंगी स्टार्टिंग का साल आने अगले जो तीन महीने हैं वो काफी अच्छे रहेंगे, उसके बाद में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएगी, उसके बाद में न्यू चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलेंगे। लेट्स सी इन टर्म्स ऑफ करियर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ करियर क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो आप। हाँ, हो सकता है चैलेंजेस अगर आप फेस करने की बात करो तो हो सकता है कि आप कोई डिसीजन ले लो और अगर आपके पेरेंट्स उसमें ना सपोर्ट कर रहे या फिर आपकी फैमिली उसमें ना सपोर्ट करे तो ये आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो मैं बोलूंगी कि आपको जो चीज सही लगे वही करे एंड आप दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हो उस फील्ड में या फिर आप जो भी काम करते हो उसमें कोई बहुत सालों से उसमें काम करो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो तो उनके पास आप गाइडेंस लेके अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। बट आई फील की प्रॉब्लम फैमिली की साइड से आ सकती है कि आपको वो सपोर्ट ना करे या फिर उनको लगे कि आपके जो भी ड्रीम्स है या फिर जो भी आपके गोल्स है वो काफी अनरियलिस्टिक है, ऐसी बातें नहीं है। सो ओवरऑल ईयर आपका अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की, लेट्स सी लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। लव लाइफ में स्टार्टिंग के महीनों में इट लुक्स लाइक कि आपको क्वाइट थोड़ा सा बर्डन फील हो कि यू आर द ओनली वन हु इज लाइक रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है या फिर आप ही एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर आपको लग रहा हो कि बहुत सी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आपको थोड़ा बर्डन फील हो। तो मैं आपको बोलूंगी कि नई चीजें सीखे, न्यू चीजें ट्राई करें अपने पार्टनर के साथ, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं बोलूंगी इसी के साथ कि थोड़ा सा बोलते ना कि रिलेशनशिप को न्यू स्पार्क लेके आए और नई चीजें शुरू करें। कम्युनिकेशन इज द की, सेम एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मैं बोलूंगी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप और अपने पार्टनर की जो बॉन्डिंग बनेगी ना उससे बेस्ट कोई भी चीज नहीं है। तो नई नई चीजों को ट्राई करने की कोशिश करें। इसी के साथ जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए एडवाइस दूंगी कि हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो कि हमको हमारा पार्टनर में ये क्वालिटीज चाहिए तो वहां पे आई फील कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील हो सकती है। तो मैं बोलूंगी कि कोई भी रिलेशनशिप में जाने के लिए जल्दबाजी ना करे और जो पॉजिटिव साइड इंसान की वो देखे, जाके नेगेटिव साइड्स पे फोकस करे बिकॉज हमें हमेशा 100% बेस्ट चीज नहीं मिलती है, इवन 60-70-80% चीज मिलती है तो भी वो इंसान काफी अच्छा है। साथ में रहकर आप और चीजों को बेहतरीन कर सकते हो। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए हेल्थ कैसी रहेगी पूरे साल में। हेल्थ एडवाइस
हेल्थ एडवाइस, ओके। हेल्थ एडवाइस में अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ में करने जाओगे तो काफी एग्जॉस्ट हो जाओगे। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की जरूरत है नेक्स्ट ईयर में। बेसिकली बात ये है कि ना ओवरवर्क करना है ना ज्यादा रिलैक्स करना है, चीजों को काफी बैलेंस रख के अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है, तो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये साल। थैंक यू सो मच।